सिंपल प्रेजेंटेंस सिंपल प्रेजेंटेंस वर्बल क्वेश्चन यस नो टाइप क्वेश्चन पॉजिटिव समझने की कोशिश करेंगे सिंपल प्रेजेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंटेंस में वर्बल क्वेश्चन यानी यस नो टाइप क्वेश्चन पॉजिटिव किस तरह बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट राजा रानी प्लुरल सब्जेक्ट आई यू वी दे सिंगुलर सब्जेक्ट का फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एटसेट्रा सिंगुलर सब्जेक्ट का फार्मूला है Does ही lie? क्या वो झूठ बोलता है Does she lie? क्या वो झूठ बोलती है डज इट lie? क्या वो झूठ बोलता है डियर स्टूडेंट्स इट जानवरों के लिए और बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इट जो प्रोनाउन है वो जानवरों के लिए और बेजान चीज के लिए डज राजा लाए क्या राजा झूठ बोलता है डज रानी लाए क्या रानी झूठ बोलती है डू आई लाय क्या मैं झूठ बोलता हूँ डू यू लाए क्या आप झूठ बोलते हैं? डू वी लाए क्या हम झूठ बोलते हैं? डू दे लाए क्या वो झूठ बोलते हैं? अजीज तलबा इस तरह सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्जिलियरी डियर स्टूडेंट्स ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है वर्बल क्वेश्चन यानी यशनो टाइप क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है ये सब हेल्पिंग वर्ब है वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत इनसे होती है वर्बल वर्बल हेल्पिंग वर्ब से होती है ऑक्सिलियरी से, से होती है जब हेल्पिंग वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब से جمله शुरू होता है डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली जब हेल्पिंग वर्ब से جمله शुरू होता है तो उसके मानी क्या होते हैं उसके मानी क्या होते हैं या उनके मानी में या उनके मानी में क्या ऐड किया जाता है आइए मिसालों के जरिए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है ये हेल्पिंग वर्ब है जब हेल्पिंग वर्ब से जिमला शुरू होता है तो उसके मानी क्या होते हैं या उनके मानी में क्या ऐड किया जाता है आइए मिसालों के जरिए समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है और प्लुरल सब्जेक्ट आई यू वी दे के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है डज ही have अ कार क्या उसके पास कार है डू दे have अ कार क्या उनके पास कार है Does he ड्राइव अ कार क्या वो कार चलाता है डू दे ड्राइव अ कार क्या वो कार चलाते हैं ड ही गो टू स्कूल क्या वो स्कूल जाता है डू दे गो टू स्कूल क्या वो स्कूल जाते हैं डज ही राइट क्लीन क्या वो खुश खत लिखता है डू दे राइट क्लीन क्या वो खुश खत लिखते हैं डज ही रीड वेल क्या वो अच्छी तरह पढ़ता है डू दे रीड वेल क्या वो अच्छी तरह पढ़ते हैं Does ही लर्न इंग्लिश क्या वो इंग्लिश सीखता है डू दे लर्न इंग्लिश क्या वो इंग्लिश सीखते हैं डज ही स्टडी हार्ड क्या वो सख्त मुताला करता है डू दे स्टडी हार्ड क्या वो सख्त मेहनत करते हैं डज ही मीट यू क्या वो आपसे मुलाकात करता है डू दे मीट यू क्या वो आपसे मुलाकात करते हैं ड ही सिट देयर क्या वो वहां बैठता है डू दे सिट देर क्या वो वहां बैठते हैं डज ही कम हैर क्या वो यहाँ आता है डू दे कम है क्या वो यहाँ आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट प्लोरल सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट ही शीट के साथ डज का इस्तेमाल और आय यू वी दे के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है और दे जो प्रोनाउन है ही शी इट का प्लूरल प्रोनाउन दे होता है कुक वेल well? क्या वो अच्छा खाना बनाती है डू दे वेल क्या वो अच्छी तरह क्या वो अच्छा खाना बनाती है अच्छे तरीके से खाना बनाती है शी हेल्प यू क्या वो आपकी मदद करती है डू दे हेल्प यू क्या वो आपकी मदद करती है शी वर्क हार्ड क्या वो सख्त मेहनत करती है डू दे वर्क हार्ड क्या वो सख्त मेहनत करती है शी हैव एन एक्टिवा क्या उसके पास एक्टिवा है डू दे है क्या उनके पास एक्टिवा है शी कॉपी इन एग्जाम क्या वो एग्जाम में कॉपी करती है डू दे कॉपी इन एग्जाम क्या वो एग्जाम में कॉपी करती है शी लाई टू यू क्या वो आपसे झूठ बोलती है डू दे लाई टू यू क्या वो आपसे झूठ बोलती है शी कम डेली क्या वो रोजाना आती है डू दे कम डेली क्या वो रोजाना आती है डी टीज देअर क्या वो वहा पढ़ाती है डू दे टीज देर क्या वो वहाँ पढ़ाती है डी वर्क हेयर क्या वो यहाँ काम करती है डू दे वर्क देअर डू दे वर्क हेयर क्या वो यहाँ काम करती है डी सिंग well? क्या वो अच्छा गाती है डू दे सिंग वेल क्या वो अच्छा गाते, गाती है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लोरल सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट इट के लिए डज का, का इस्तेमाल किया जाता है और दे के लिए डू का इस्तेमाल किया जाता है डियर स्टूडेंट्स इट जानवरों के लिए और बेजान चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी डज इट है क्या उसे पैर हैं डू दे हैव लेग्स क्या है? क्या उन्हें पैर हैं डज इट शाइन इन डे वो दिन में चमकता है डू दे शाइन इन डे क्या वो दिन में चमकते हैं डज इट रन फास्ट क्या वो तेज दौड़ता है डू दे रन फास्ट क्या वो तेज दौड़ते हैं डज इट स्विम प्रॉपरली क्या वो अच्छी तरह तैरता है डू दे स्विम प्रॉपरली क्या वो ठीक तरीके से तैरते हैं डज इट जम्प हाई क्या वो ऊंचा उछलता है दे जम्प हाई क्या वो ऊंचा उछलते हैं? डज इट कम रेगुलरली क्या वो रोजाना आता है दे कम रेगुलरली क्या वो बाकायदगी से आते हैं डज इट लिव इन हट क्या वो झोपड़ी में रहता है डू देना हट क्या वो झोपड़ी में रहते हैं डज इट स्लीपेर क्या वो वहां सोता है डू दे स्लीपेर क्या वो वहां सोते हैं डज इट कम विद यू क्या वो आपके साथ आता है डू दे कम विद यू क्या वो आपके साथ आते हैं डज इट गो विध हर क्या वो उसके साथ जाता है डू दे गो विधहर क्या वो उसके साथ जाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट डज राज प्ले क्रिकेट वेल क्या राज क्रिकेट अच्छा खेलता है क्या, रा, क्या राज अच्छी तरह क्रिकेट खेलता है डज तनवीर है बाइक क्या तनवीर के पास बाइक है डज ताजू ब्रिंग गिवन होमवर्क क्या ताजू दिया हुआ होमवर्क लाता है डज दस द सन राइज इन द वेस्ट क्या सूरज मगरिब से तुलो होता है डज मंडे कम बिफोर संडे क्या मंडे संडे से पहले आता है डज यूवर स्कूल ओपन ऑन जून ट्वेंटी सिक्स क्या आपका स्कूल छब्बीस जून को खुलता है डज सोनू राइट क्लीन एंड नीट क्या सोनू खुशखत लिखता है डज मोनू कम इन टाइम डेली क्या मोनू रोजाना वक्त पर आता है वक्त से पहले आता है डज द बस कम डे रेगुलरली क्या बस यहां रोजाना बाकायदगी से आती है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट डू राजू एंड ताजू स्टडी हार्ड के राजू और ताजू सख्त मेहनत करते हैं डू पीपल लाइक लॉन्ग स्पीचेज क्या लोग ब्रिंग एनीथिंग फॉर यू क्या वो आपके लिए, क्या वो आपके लिए कुछ लाते हैं डू दीज मैंगोज स्वीट क्या इन आमों का टेस्ट मीठा है डू यू डिजर्व फॉर दिस अवार्ड क्या आप इस अवार्ड के मुस्ताक है डू वी हैव एनी लीगल राइट टू पनिश है सजा देने का हमें कानूनी हक है विलेजर स्ली क्या देहाती जल्द सो जाते हैं जल्दी से सो जाते हैं डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक क्या आप अल सुबह क्या आप सुबह सवेरे तफरी के लिए जाते हैं डू दे हार में एनी बड़ी क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं डियर स्टूडेंट इस तरह ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाने की कोशिश कीजिए और अपने उसकी रहनुमाई हासिल कीजिए